ज्योतिष के क्षेत्र में अपनी सफलता का परचम लहरा चुके ज्योतिष गुरु श्री के एन राव के हाथों मेडल से सम्मानित, अपनी सटीक भविष्यवाणी के लिए सुप्रसिद्ध और ज्योतिष अलंकार एवं ज्योतिष आचार्य अवार्ड से सम्मानित ज्योतिष आचार्य आचार्य रमन जी। हेलो दोस्तों, मैं हूं आचार्य रमन, वैदिक एस्ट्रोलॉजर गत 20 वर्षों से। मित्रों, हम कर रहे हैं बृहद संहिता की श्रृंखला, जिसमें हमने सबसे पहले करा कि अगर मेष लग्न की कुंडली हो तो सूर्य 1 से 12 भावों में क्या रिजल्ट देंगे, क्या फल देंगे। फिर सेकंड में हमने करा कि अगर मेष लग्न की कुंडली है तो बृहद संहिता के अनुसार चंद्र 1 भाव से लेकर 12 भाव तक क्या रिजल्ट देंगे। और अभी हम जो श्रृंखला कर रहे हैं उसमें हम कर रहे हैं कि मेष लग्न की कुंडली में मंगल जो है 1 से 12वें भाव तक क्या रिजल्ट देंगे। तो उसमें हमने 1 से लेकर अष्टम भाव तक मंगल के क्या रिजल्ट रहेंगे वो हमने कर लिया है। आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो बना रहे हैं कि अगर मेष लग्न की कुंडली हो तो बृहद संहिता जो वरामीर द्वारा रचित है उसमें मंगल के अगर 9वें भाव में स्थित है मंगल तो वो क्या फल देंगे। तो आइए मित्रों, चलते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं मंगल के क्या फल रहेंगे। जैसा आप देख रहे हैं मित्रों, ये कुंडली जो सेंटर ऑफ द कुंडली है या जहाँ पे असेंडेंट या लगन लिखा रहता है वो हमेशा जो है पहला भाव होता है। ये जो नंबर लिखे गए हैं मित्रों, ये राशि है जो चेंज होती रहते हैं। यहाँ पे 1 नंबर का मतलब है मेष राशि, 2 का मतलब है वृष राशि, 3 मिथुन, 4 कर्क राशि, 5 का मतलब है सिंह राशि, 6 कन्या, तुला, वृश्चिक, 9 नंबर धनु, 10 नंबर मकर, 11 कुंभ और 12 नंबर का मतलब है मीन राशि। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मंगल यहाँ पर स्थित है 9वें भाव में, पहला भाव क्योंकि यही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां भाव। और यहाँ पे 9 नंबर राशि है तो इसका मतलब मंगल है धनु राशि में जो गुरु की राशि है। तो आइए मित्रों, जानते हैं कि अगर मेष लग्न की कुंडली हो, मेष लग्न इसलिए क्योंकि लग्न में 1 नंबर राशि है, मेष राशि है, तो ये मेष लग्न की कुंडली है। तो मित्रों, जिस जातक का जन्म मेष लग्न में हुआ और जन्म कुंडली के 9वें भाव में मंगल की स्थिति हो उस मंगल का फलादेश नीचे अनुसार समझना चाहिए। मित्रों, 9वां भाव है त्रिकोण भाव एवं भाग्यस्थान, 9वें भाव को हम भाग्यस्थान भी कहते हैं। और यहाँ पर मंगल की स्थिति के प्रभाव से जातक का भाग्य अच्छा बना रहेगा क्योंकि वो अपने मित्र की राशि में है। किंतु जो मंगल है वो अष्टमेश भी है, यानी मंगल जो है पहले भाव यानी मेष राशि के मालिक है और वृश्चिक राशि के मालिक है जो अष्टम भाव में पड़ रही है। तो मंगल के अष्टमेश होने के कारण भी कुछ असंतोष एवं कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है, किंतु भाग्य अच्छा बना रहेगा क्योंकि मंगल 9वें भाव में अपने मित्र गुरु की राशि में। फिर हम देखते हैं कि चौथी मित्र दृष्टि जो है यानी चौथी दृष्टि मंगल की पड़ रही है वै भाव को, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और यहाँ पे भी स्थित है मीन राशि जो गुरु की है, जो मित्र की है, इसलिए लिखा गया है कि चौथी मित्र दृष्टि से वै भाव को देखने के कारण खर्चा अधिकता रहेगा, यानी खर्चे में अधिकता बनी रहेगी, ज़्यादा खर्चा रहेगा तथा बाहरी स्थानों से विशेष संबंध रहेगा। बाहरी स्थान, दूर के स्थान, फार अवे प्लेसेस या फॉरेन कंट्रीज से विशेष संबंध बना रहेगा और वहाँ से लाभ भी होएगा। अब मित्रों, मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ रही है पराक्रम भाव पे, 7वीं भी मित्र दृष्टि है जो पराक्रम भाव पे पड़ रही है, जिसके कारण जो है मंगल के जो है पराक्रम यानी साहसी रहेगा, पराक्रम अधिक रहेगा। परंतु अष्टमेश है मंगल तो इसके कारण भाई बहन के सुख में कमी रहेगी, परंतु व्यक्ति पराक्रमी रहेगा यानी साहसी एवं निडर रहेगा। अब मित्रों, 8वीं दृष्टि जो मंगल की पड़ रही है वो अपनी नीच राशि में पड़ रही है यानी कर्क राशि, जो मंगल की नीच राशि है, तो 8वीं नीच दृष्टि से माता तथा भूमि के चतुर्थ भाव को देख रहे हैं मंगल, अतः माता के सुख में एवं भूमि मकान आदि के सुख में या संबंध में कमी या मुश्किलें या कठिनाइयाँ बनी रहेंगी। तो मित्रों, हमने जाना कि मंगल जो है अगर 9वें भाव में स्थित हो, 9th हाउस में स्थित हो और मेष लग्न की कुंडली हो, एरीस असेंडेंट हो, तो बृहद संहिता के अनुसार वरामीर द्वारा रचित बृहद संहिता के अनुसार मंगल क्या फल देंगे। मित्रों, आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसे
लाइक करें, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मित्रों, अगर आपको मुझसे कुछ परामर्श की आवश्यकता है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो है 9911351351, या फिर आप लॉगिन भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर, जो है www.astrologerraman.com। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर। अगर आप भी समस्याओं से परेशान हैं और समाधान पाकर अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य रमन जी से मिलकर इन सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। 3341 सेक्टर 23 हुड्डा, गुड़गांव, हरियाणा 12001। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 09111351351, 08130201201। हमारी वेबसाइट है www.theindianastrologer.com।